देख 1500 कर्जा अपने शो में रख ले, वो भी उतरे, मुझे इससे भी कोई शिकवा नहीं है, ये भी अपना दोस्ती है, भाई है अपना। अच्छा एक बात बता, कृष्णा क्यों रखा था तुमने? करता भी क्या डांस करने के अलावा यहाँ पे? द कपिल शर्मा शो में 10 मिनट का सुपर डांसर करके जाता वो। हाँ भाई, एक मिनट, मेरा नाम लिया किसी ने, क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, मैं नाचूंगा, क्या प्रॉब्लम है? नाचेगा, देख लो, पसंद आया? अर्चना जी, मैं किसी के बाप का नहीं नाचता। हाँ जी, सही बात है, ये अपने मामा का नाचता है। यार नहीं नहीं, वो इसलिए कह रहे थे कि स्टेप्स वगैरह देखे लगते हैं, इसलिए बोलते हैं। देखे लगते हैं। अरे ठाकुर, चश्मे उतार लग रहा है। कैसा है यार ठाकुर? बहुत अच्छा। बड़े दिनों के बाद कहाँ गायब था यार? गायब क्या मतलब यार, वैसे ही पंजाबी फिल्म कर रहा था, 4-5 फिल्मों की बात भी चल रही है। अच्छा, तो फिर इसको शो में नहीं ले पाएंगे? इज वेरी बिजी कपिल। नहीं नहीं, वेरी बिजी। नहीं नहीं, देख मेरी पंजाबी फिल्में ठीक वैसी है जैसी तेरी हिंदी फिल्में। अच्छा, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। कृष्णा मुझे एक बात बताओ यार, मैंने सुना कि तुम बात बात पे हाथ उठा लेते हो, ये सिर्फ बातें हैं? ओए कृष्णा, भाई को भड़काने की कोशिश मत कर। नहीं नहीं, मैं तो इनको ये भी बता रहा हूँ कि तुमने ये भी बोला था कि अगर इसमें से डांस निकाल लो, इसमें और वो बैंड वाले पांडे में कोई फर्क नहीं है। ओए मैंने नहीं बोला, कब बोला मैंने? कब बोला? क्यों बोल रहा है ऐसे? इम्प्रोवाइजेशन भी कोई चीज होती है। इम्प्रोवाइज ज्यादा मत करना तुम लोग यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कपिल, ये सब ठीक नहीं चल रहा है यार। ये चंदन पंजाब से, भारती पंजाब से, अर्चना जी पंजाब से, ये बैंड वाला भी पंजाब से, अब ठाकुर भी पंजाब से, ये पंजाब का अलग ही नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे। गलत बात है कपिल। अर्चना जी, बोल कौन रहा है? गोविंदा का भांजा। नेपोटिज्म की बात। हाँ तो मैंने उनको कौन सा मामा बना लिया, मेरे पैदा होने से पहले भी वो गोविंदा ही थे। हाँ कि नहीं? ये देख लो, 4 पैसों के लिए रिश्ते बदल लेते हैं। खबरदार, बकवास नहीं करना है। क्या कपिल, क्या बकवास कर रहा है 4 पैसों के लिए? मैं तो 1 पैसे के लिए भी बन जाता। मैं तो डर गया था। मैंने कहा भी इसके अंदर भी जमीर जागे तो हमारे जैसे लोग कहां जाएंगे। यार ये आती है बकवास कर रहा है कपिल मुझे। अच्छा कपिल से ही पूछ लो, कपिल सच बताना, जब से हम लोग जुड़े हैं सही नहीं चल रहा सर? सही चल रहा? और मैं इसका गुड लक हूँ, इसलिए इसने मेरे को साथ में रखा है। गुड लक नहीं, नजर बट्टू के दौर पे रखा हुआ है तेरे को। क्या ना अर्चना जी, नींबू मिर्ची से सस्ता पड़ता है ये हमको, तो क्या करें, बस रख लिया है। और मैं एक बात बताऊं, ये नजर बट्टू इससे भी सस्ता मैं पड़ता हूँ। ये जूते वैसे ही है, नीचे मैंने घोड़े की नाल लगवा रखी है। ये नाल नाल के चक्कर में मैंने बड़े नल्ले इकट्ठे कर लिए। देखो मैं आया हूँ पक्के पैर, इस बार ये देखो चिट्ठी लेके आया हूँ सोनी साहब की। सोनी साहब की? ये राम प्रकाश सोनी से कोई लेकर आ गया चिट्ठी तो? असली मैसेज मुझे आया सोनी साहब का, ये देखो मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। प्रिय कपिल शर्मा / चंदू, इधर दिखा। स्लैश नहीं लिखा बे, स्लैप टू चंदू। यार लिखते हैं, ये ठाकुर हमारे ऑफिस 100 बार से ज्यादा आ चुका है, इसको समझाओ कि हम भगवान नहीं है। इसने सोनी के 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। ऊपर से हमारी चलती मीटिंग में आया और हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर जल चढ़ा के नारियल फोड़ गया। इसे समझा लो, नहीं तो हम सेट मैक्स में जो फिल्म आती है सूर्यवंशम, उसमें से ठाकुर साहब की जहरीली खीर निकाल के इसको खिला के मार देंगे। शर्म नहीं आती मुझे? क्या लगा के रखा है तू? टीवी का कवर क्यों पहन के आ गई? ठाकुर तुम, कप्पू मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर तुमने शो में ऐसा वैसा लड़का रखा ना, तो तुम एक तो कोई ढंग का लड़का रखो। ए क्या बकवास करी, इधर तो देख पर्सनैलिटी। क्या कमी है, क्या कमी है मुझमें? अरे जो सोचो वो कमी है तुम में। 3 महीने में पहली बार तुम्हें पैंट में देखा है। हैं?
को बिना पैंट के देखती है। बकवास नहीं करना। हाँ। ये जो चपड़ चपड़ ये डोनाल्ड डक की तरह तेरे जो होटल है सिलाई मशीन में डाल के ऐसे सी दूंगा मैं। बात कर रही है कृष्णा, तू पागल है? ऐसे बोलते हैं सिलाई मशीन सिल देंगे, इसको रजाई वाला बड़ा सुहा लगेगा इसको। देखो कपूर, जवाब देने को तो मैं भी दे दूं, लेकिन क्या है ना, मैं खानदानी लड़की हूँ, इसलिए तुम लोगों के मुंह नहीं लगूंगी। खानदान तो देख लो इनका, इनकी बहन तो आपने देखी होगी तितली। हाँ। बच्चा यादव की बीवी। हाँ। चार भैंसे उसके पास देखी नहीं, सांड के साथ शादी कर ली। देखो कप्पू, मेरा सच्चा प्यार तो तुम्हें दिखता है नहीं, लेकिन वो मेरी दीदी का सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार है। सबका प्यार तुम्हें दिखता है, लेकिन मेरा सच्चा प्यार नहीं तुम्हें दिखता भूरी। तेरा यहाँ किसी को कुछ नहीं दिखता, ना किसी को टैलेंट दिखता है, ना किसी को प्यार दिखता है। मैं कहता हूँ ये भी शो में क्यों दिखता है, चल बाहर चल बाहर। शर्म कर, शर्म। साथ घर तो डायन भी छोड़ जाती है। तेरा कौन सा घर, तू तो इधर ही रहता फुटपाथ पे। मैंने कहावत बोली है, कहावत। अरे कहावत बोलनी है तो अपने लेवल के हिसाब से बोलो ना। आप बोला करो, गरीबी में आटा गीला। हाँ। ना नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या, ये सब बोला। मजबूरी का नाम चंदू। हाँ। देखा, ये बात ही मेरा ठाकुर। अपनी तो ट्यूनिंग भी सेट है। अब रख लेना शो में। ठाकुर एक बात बता, जो तू पहले एक बार लंबा कच्चा पहनता था घुटनों तक जो। हाँ। उसके ऊपर जींस पहनते थे। हाँ। कितना मुश्किल होता है ना एडजस्ट करना। हाँ, बहुत मुश्किल। उससे ज्यादा मुश्किल है तेरे को एडजस्ट करना। मेरी बात सुनो, देखो इधर उधर की बातों से नहीं, मेहनत से इस शो में जगह मिलती है। क्या करना पड़ता है, तू क्या बोल रही है? मेहनत से, मेहनत से शो में जगह मिलती है। जब पता है तो करती क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी लाइक मैं हूँ शो में तो ग्लैमर है। अगर तुझ में ग्लैमर होता ना, लड़के साड़ियां पहन के ना घूमते इधर। अर्चना जी, अब जिसको कागज के फूलों की आदत हो गई हो, वो असली गुलाब की खुशबू का क्या पता। वाह वाह वाह। भाई साहब फोन देना मेरा। क्या हुआ? एक हेलो। हाँ कश्मीरा, जरा आना ना शूटिंग पे, जरा तुम्हारी जरूरत थी यहाँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कोई फूल था उसकी खुशबू निकालनी थी थोड़ी सी। हाँ हाँ, पंखुड़ियां फाड़नी थी उसकी। अच्छा नहीं लगता ना कोई लड़का लड़की को मारे। प्लीज कम। देखो मेरी बात सुनो, जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है ना वो ठाकुर है, तो मैं तो कहता हूँ इसकी कंबल कुटाई करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आइए ठाकुर साहब। एक 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 मिनट मेरी बात सुनो। देखो बाल जल्दी नहीं 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 ना प्लीज। देखो चलते शो में ना, ये यार फूट डाले आइए। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान देता ना लेता। ना लेता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो, उसे और क्या ज्ञान की जरूरत, वो बाकी उसे ज्ञान लेके क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। करण जी से ये हंसी मजाक का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। अब वक्त है हास्य मंच की होप और हंसी की तोप को यहाँ पे आमंत्रित करने का। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा हंसी का चलता फिरता मॉल, श्री प्रदीप चौबे जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चौबे साहब के लिए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रदीप जी की बहुत सारी कविताएं हमने सुनी है सर। मैंने हमेशा आपको YouTube पे आपके वीडियोस देखे हैं, तब आपकी मूछें भी हुआ करती थी बीच बीच में। अच्छा, लोग इनको हमेशा वजनदार कवि बोलते हैं। प्रदीप जी ऐसा क्यों, आपको वजनदार कवि क्यों बोलते हैं? वजनदार कवि इसलिए बोलते हैं कि अब केवल वजन ही रह गया है। ऐसे क्यों सर? कविता में तो वजन खत्म हो गया। सर आपकी कविता में भी बड़ा वजन है, और ये तो आपका बड़प्पन आप ऐसा बोलते हैं। प्रदीप जी और अरुण जी दोनों ही हास्य कवि हैं, लेकिन सर अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ। कि जैसे कॉलेज स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं जब भी, तो लड़कियों को वो रोमांटिक कविताएं बड़ी पसंद आती हैं, तो आप कॉलेज में भी हास्य कवि थे कि रोमांटिक भी लिखते थे पहले? साहब क्या करें,
रोमांटिक लिखने की तो इच्छा होती थी जी, मगर मुंह से हर लड़की के लिए बहन जी निकल जाता है। बस उसी चक्कर में मारे गए।